मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी पर दो गन से 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। बाबा सिद्दीकी को 4 से 5 गोलियां लगने से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 3 लोग थे। फिलहाल पुलिस तीसरे शूटर की तलाश कर रही है। गिरफ्त में आए 2 शूटर्स हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। यानी एनसीपी के बाबा सिद्दीकी पर यह जानलेवा हमला हुआ, 5-6 राउंड गोली चलाई गई। हमारे सहयोगी समीर भीसे इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। समीर, कब का ये घटनाक्रम है, क्या हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल पवन, मौका है वारदात पे मौजूद है। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दृश्य भी दिखा दें कि जहाँ पे बाबा सिद्दीकी पे गोली चलाई गई, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये पूरा वही इलाका है जहाँ पे बाबा सिद्दीकी गाड़ी खड़ी हुई थी। और हम देख सकते हैं कि 2 जगहों पे पुलिस ने पास में सर्कल कर रखा है। ये वही गोलियां जो अभी भी रखी गई है, एक गोली थोड़ी सी दूर है, बाकी 3 गोलियां बिल्कुल पास में, जहाँ देख सकते हैं कि सफेद सर्कल किया गया है। ये पूरा इलाका पवन, ये जो है खेरवाड़ी का इलाका है, बाबा सिद्दीकी का इलाका है। देख सकते हैं पुलिस की चाक चौबंद, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये सारा का सारा इलाका है, जो तकरीबन 9:15 की दूरी है। हम आपको दिखा दें, यहाँ से थोड़ी दूर पे बाबा सिद्दीकी का ऑफिस है, वहां से वो निकले थे और ठीक इसी जगह पर चलते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ आए थे। जहाँ पता चला है वहां पे गोलियां बरसाई गई हैं, तकरीबन 5-6 राउंड, जिसमें से 4 राउंड हम देख रहे हैं कि गोलियां जो है वहां पे पुलिस ने सर्कल कर रखी है। और अभी पुलिस ने जो जानकारी मिल रही है, 2 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और बाकी व्यक्ति अभी भी तलाश जारी है।